जिला हमीरपुर में नए 80 उद्योगों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर करीब 4.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जानकारी डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने दी। हरिकेश मीणा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 46 आवेदन रखे गए हैं, जिनमें 14 जिला उद्योग विभाग, 3 खादी बोर्ड एवं 29 खादी ग्रामो उद्योग आयोग से समिति के समक्ष रखे गए हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 45 आवेदनों को मंजूरी दी गई। वही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 36 आवेदन रखे गए थे, जिनमें समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 35 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। इन सभी उद्योगों में लगभग 4.25 करोड़ रुपए का कुल निवेश प्रस्तावित है एवं लगभग 450 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 1.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों में भेजा जाएगा। उपायुक्त ने जिला के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं। तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 60 लाख रुपए तक के निवेश पर 40 लाख रुपए के उपकरण पर 25 से 30% महिलाओं के लिए का आवेदन उपलब्ध है। उत्पादन में आने के बाद 40 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी 3% की लगेगी। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जी सी भट्टी, उद्योग विभाग के परियोजना प्रबंधक गुरुलाल नेगी, प्रसार अधिकारी उद्योग प्रवेश कुमार कपूर, खादी बोर्ड के विकास अधिकारी रविकांत ठाकुर, खादी ग्रामो उद्योग आयोग के संयोजक राज कश्यप आदि उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग कृषि करके ही अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसान खून पसीने की कमाई के हजारों रुपए खर्च कर खेतों में फसलों की बिजाई करते हैं। किसानों ने इस बार भी गेहूं की फसल को बीजने के लिए हजारों रुपए के बीज व खाद डालकर खेतों में गेहूं की फसल को लगाया है, लेकिन गेहूं की फसल पर पीला रतुआ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस कारण किसानों की लाखों रुपए की फसल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों की माने तो पीला रतुआ पहाड़ों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये मैदानी क्षेत्रों में भी इस रोग ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जो गेहूं की फसल को नष्ट कर देता है। मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः गेहूं की अगेती और पछेती फसल को ज्यादा प्रभावित करता है। जनवरी और फरवरी माह में गेहूं की फसल को पीला रतुआ रोग लगने की अधिक संभावना रहती है। इस रोग में फफूंदी फफोले पत्तियों पर पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बिखर कर अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं। गेहूं के पत्ते पीले होना ही पीला रतुआ रोग नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है, इसे छूने पर हाथ पीला हो जाता है। हिमाचल के निचले और गर्म क्षेत्रों में ये रोग अधिक पाया जाता है। तापमान में वृद्धि के चलते गेहूं के रोग इजाफा होता रहता है। फसल के इस रोग की चपेट में आने से कोई पैदावार नहीं होती और किसानों को फसल से हाथ धोना पड़ता है। इस बीमारी के लक्षण प्राय ठंडे और नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस रोग से निपटने के लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूक किया जाए और मुफ्त में कीटनाशक का खेतों में छिड़काव किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक हानि न उठानी पड़े।